काल जी घटना घडली आहे त्या घटनेसंदर्भात एक प्राथमिक माहिती देण्यासाठी पीआरओ म्हणून मी तुमच्या समक्ष आलेलो आहे. काल 23/9/2024 रोजी बदलापूर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 380/2024 जो यापूर्वी बाल लैंगिक अत्याचारा संदर्भात होता त्या गुन्ह्यातील अटक आरोपी अक्षय अण्णा शिंदे याच्या विरुद्ध आणखी एक बदलापूर पूर्व पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला होता. त्याच्या पत्नीने गुन्हा तो दिला होता. त्या संदर्भात एक विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलेलं आहे. त्या तपास पथकातील पोलीस अधिकारी काल माननीय न्यायालयाचं ट्रान्सफर वॉरंट घेऊन कायदेशीररित्या सदर आरोपीचा ताबा घेण्यासाठी तळोजा पोलीस स्टेशन तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे गेले होते. तिथून ते कायदेशीर त्याला घेऊन येत असताना सदर आरोपीने पोलिसांचा पिस्तल हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करून जी घटना घडलेली आहे त्या घटनेसंदर्भात मुंब्रा पोलीस ठाणे येथे पोलिसांवरती जीवघेणा हल्ला केल्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात मुंब्रा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे 307 नवीन कायद्यानुसार 262, 132, 139, 121 भारतीय न्यायसंहिता अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच जो आरोपी मयत झालेला आहे त्याच्या संदर्भात अकस्मात मृत्यू प्रकरण देखील दाखल करण्यात आलेलं आहे आणि या दोन्ही प्रकरणाचा तपास ठाणे पोलीस आयुक्तालय करीत आहे. बदलापूर पूर्व पोलीस स्टेशन में जो इसके पहले गुना रजिस्टर हुआ था एक नाबालिग बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में उसमें जो आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था उसके ऊपर और एक गुना उसके वाइफ ने दर्ज किया था उसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय से ट्रांसफर वारंट लेके वो आरोपी को ये जो नया गुना दाखिल हुआ है उसमें ट्रांसफर करने के लिए तलोजा मध्यवर्ती कारागृह से कल उसको ताबे में लिया था और ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की उसके वो सब जो मैटर है उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो ये था उसपे गुना रजिस्टर किया गया है. भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत गुना रजिस्टर किया गया है और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है. दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है. सर ये घटना कैसे घटित हुई? चलती गाड़ी में घटना घटित हुई, वैन के अंदर ही पूरा हुआ, पुलिस पर फायरिंग हुई या फिर ये सब तपासाधीन है और इसके बारे में मैं अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा. ये इतनी जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, इसके अलावा मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता. सध्या या घटनेमध्ये एक पोलीस अधिकाऱ्याला पायाला गोळी लागलेली आहे आणि ते उपचार घेत आहेत. इतरही पोलीस अंमलदार उपचार घेत आहेत. एक पोलीस ऑफिसर जख्मी हुआ है, उसके पैर में गोली लगी हुई है. जुपिटर अस्पताल में उनके ऊपर इलाज चालू है. बाकी के पुलिस भी उपचार ले रहे हैं जुपिटर अस्पताल में, वो दाखिल. इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. मुमरा बाईपास के यहाँ जो मुमरा देवी का जो मंदिर है उसके पायते के नीचे वहाँ पे हुआ. तळोजा कारागृहातून ताब्यात घेतल्यानंतर तळोजा कारागृहातून ताब्यात घेतल्यानंतर
ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला रस्त्यात घेऊन येत होते. अद्यापही चौकशी चालू आहे. नक्की घटनाक्रम काय आहे हे तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगण्यात येईल. तपासाधीन आहे प्रकरण. आत्ताच त्याच्यावर काही बोलणं जास्त योग्य.